1961 के सेंसस ने इंडिकेट किया मुस्लिम्स जिनकी एक से ज्यादा बीवी है वो 5.7% थे, लेकिन हिंदूज इन कंपैरिजन 5.8% थे और बुद्धिस्ट 7.9% थे, जैन्स 6.7% थे और आदिवासी 15.25% थे। लेकिन हम ये देखेंगे 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट ने मना किया था, ये उससे सिर्फ 5 साल बाद का सेंसस था, उसके अगला सेंसस यानी 1961 के सेंसस। आगे बढ़ते हैं 1974 में, 1974 की गवर्नमेंट सर्वे के अंदर पता चलता है कि मुस्लिम्स में 5.6% मैरिजेस बाइगेमस मैरिजेस है, पॉलीगेमस मैरिजेस है, लेकिन जबकि हिंदूज में 5.8% है। अब देखा जाए तो एक 0.2% का फर्क है, लेकिन उस जमाने में जो कैलकुलेशन देखा गया 1971 के सेंसस के मुताबिक, तो मोर देन 1 करोड़ हिंदू मेन के पास 1 करोड़ हिंदू मर्दों के पास एक से ज्यादा बीवी थी, इन कंपैरिजन 12 लाख मुस्लिम मर्दों के पास एक से ज्यादा बीवी थी। अगर वो जमाने के आपके दादा परदादा फादर वगैरह हैं तो आपने देखा होगा कि ये कॉमन बात थी, ये कोई अनकॉमन चीज नहीं थी हमारी कंट्री में। लेकिन सिचुएशन कब चेंज हुई, इंडियन गवर्नमेंट के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डिपार्टमेंट ने 2006 में एक फिर से सर्वे कंडक्ट किया। इस सर्वे के अंदर पता चला कि हिंदूज में 1.77% पॉलीगेमस मैरिजेस है, इन कंपैरिजन मुस्लिम्स के 2.55% पॉलीगेमस मैरिजेस है, जबकि उसके बहुत ही क्लोज क्रिश्चियंस का मामला था, क्रिश्चियंस में 2.35% पॉलीगेमस मैरिजेस और इन सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट में 3.2%। तो हम देखते हैं कि ये सर्वे के अंदर दिख रहा है कि हिंदू मर्दों की पॉलीगेमस मैरिजेस कम हुई एज कंपेयर टू मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट इस मामले में सबसे आगे रहे हैं, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स ऑलमोस्ट करीब करीब है इस 2006 की सर्वे से।